हेलो मेरे प्यारों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टेंस वाली क्लास। ये क्लास कल वाली क्लास से कनेक्टेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसके बिना देखे शायद समझ में आपको ना आए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत मेरी फेवरेट लाइन है, देखिए क्या लिखा हुआ है, लर्निंग टेक्स टाइम, सीखने में समय लगता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, सीखने में समय लगता है। ठीक है, चलिए देखिए, आप मैटर नहीं करना कितना स्लो सीख रहे हैं, मैटर ये कर रहा है कि आप सीख रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, स्लो प्रोग्रेस इज स्टिल अ प्रोग्रेस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई आज जो हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस की, इसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में शुरू कर दी थी। बताया था कि प्रेजेंट टेंस के अंदर चार तरह के आप पढ़ने हैं टेंस हमें। एक है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसकी बात हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा है जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आई बटन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। आज हम इनकी बात करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट की और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देर किए। तो पहला है जो आज आजकल तो पहला है, लेकिन टॉपिक में सेकंड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अच्छा, कुछ बातें मैं आपको बता दूं पहले, कि जो छोटी छोटी बातें बता दूं आपको मैं, कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, देखो कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, जो चीज लगातार चल रही होती है। ठीक है, अगर कोई घटना हो रही है होती है उसे क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस में। ठीक है, तो जब भी कंटिन्यूस आएगा किसी में भी, प्रेजेंट में आए, पास्ट में आए या फ्यूचर में आए, तो वर्ब के साथ जो भी वर्ब की फॉर्म प्रयोग हुई, जनरली वी वर्ब प्रयोग होती है, के साथ आई एन जी लगता है। क्या लगता है? आई एन जी। आप याद रखना, अगर कंटिन्यूस है तो क्या होगा, वर्ब के साथ आई एन जी लगेगा। क्लियर लगेगा? आई एन जी लगेगा, इतनी बात पता लगेगा। ठीक है, बाकी तो हम आपको बातें बताएंगे। ठीक है, जब भी मैं बोलता हूँ ना, देखता हूँ कंटिन्यूस, अच्छा मतलब कि अच्छा इसके अंदर क्या होगा, आई एन जी का प्रयोग हुआ, तो मेरे को हेल्प रहती है सेंटेंस को फॉर्म करने में, रूल को फॉर्म करने में। ठीक, आइए जरा बात करते हैं। जैसे कि बताया था सबके अंदर क्या होते हैं, चार चार होते हैं, तो उसमें भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। बताया था इसमें नो और नॉट का प्रयोग नहीं होता है, इसमें नो और नॉट का प्रयोग होता है, इसमें क्वेश्चन आस्क किया जाता है। ठीक है, और इसमें नो और नॉट प्लस क्वेश्चन दोनों का काम होता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं, रूल्स को ध्यान से देखेंगे। तो भाई अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो भाई जो टेंस में मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के साथ क्या लगा होता है, रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं का प्रयोग होता है। जैसे राम घूम रहा है, सीता नाच रही है, लोग घूम रहे हैं या मैं घूम रहा हूं आदि। मतलब रहा, रही या रहा का प्रयोग होगा तो क्या होगा, वो कॉन्टिन्यूस के अंदर होगा। ठीक है, अच्छा सबसे पहले बात करेंगे अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव के अंदर रूल क्या है। भाई देखो, तो रूल कुछ नहीं है, सिंपल एकदम रूल है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। देख रहे हो एन जी आया ना, अगर कंटिन्यूस है तो आई एन जी आएगा और फिर ऑब्जेक्ट। तो रूल क्या रहा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी और प्लस ऑब्जेक्ट। सर आई एन जी कहाँ लगता है, तो वर्ब के साथ, वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है आपका जो शुरू में आएगा, ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी क्यों आ रहा है, क्योंकि कंटिन्यूस फॉर्म में, और प्लस ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सिंपल सी बात, ज्यादा कुछ लफड़ा नहीं है। अब देखते हैं भाई कहाँ पे इज, कहाँ पे एम और कहाँ पे आर का। देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, पीछे बता चुके हैं कितनी बार, लास्ट क्लास में भी जिक्र किए थे, नहीं देखा जाइए जाकर देख लीजिएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज का प्रयोग करेंगे, और अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी आई है तो क्या है, एम का प्रयोग करेंगे, या आप समझो आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है। और बाकी सब्जेक्ट में क्या करेंगे भाई, आर करेंगे। मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इज, आई है तो एम, और बाकी सभी साथ में क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जाम्पल में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए राम स्कूल जा रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो क्या लगेगा, राम इज गोइंग टू स्कूल, राम इज गोइंग टू
स्कूल। कह रहा है वह घूमने जा रहा है। देखो वह थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, तो ही इज लगा, ही इज गोइंग फॉर अ वॉक। मैं घर आ रहा हूं, देखो यहां पर फर्स्ट पर्सन है यानी आई है, तो एम का प्रयोग हुआ, आई एम कमिंग होम। ठीक है, अब ध्यान से देखो इन सभी में जो मेन वर्ब है, देखो जा रहा है तो बोलते हैं गो। अब देखो लास्ट में क्या लगा है, आई एन जी लगा है, क्या लगा है, प्लस आई एन जी। क्या दिखा रहा है कि वो कंटिन्यूअस है, वो काम को लगातार कर रहा है, जा रहा है, देखो गोइंग कमिंग, ठीक है, आई एन जी लग रहा है, क्लियर। कह रहा है मेरा दिल तुम्हें ढूंढ रहा है, मेरा दिल तुम्हें ढूंढ रहा है। अब देखो माई हर्ट, ये क्या है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए इज लगा है, माई हर्ट इज लुकिंग फॉर यू, क्लियर। कह रहा है लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अब देखो ये थर्ड पर्सन तो है लेकिन सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, इसीलिए यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे, पीपल आर मेकिंग फन ऑफ हिम। आई थिंक बात समझ में आई होगी, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेगेटिव में मैंने बताया था बस कुछ नहीं होता, नॉट का प्रयोग आता है, क्या होता है, नो या नॉट का प्रयोग होता है, और ये होता कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद। तो देखो पहले हमारा क्या था, सब्जेक्ट प्लस इज, एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी और प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पर क्या चेंज आया है, यहां पर आप देखोगे बस सब्जेक्ट भी सेम है, इज एम आर भी सेम है। अब यहां पे क्योंकि ये नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग हो गया है, बाकी क्या है, सब सेम है, वी वन प्लस आई एन जी और प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, बस नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग हुआ है। ठीक, आइए जरा देख लेते हैं एग्जाम्पल की मदद से। कह रहा है राम घूमने नहीं जा रहा है, राम इज नॉट गोइंग फॉर अ वॉक। बस नॉट का प्रयोग देख रहे हैं, इज तो हम देख ही चुके हैं, थर्ड पर्सन इसलिए इज लग रहा है। कह रहा है वो कहीं नहीं जा रहा, ही इज नॉट गोइंग एनी वेयर, देख रहे हो खाली नॉट लग गया है। मैं आज नहीं पढ़ रहा हूं, आई एम नॉट स्टडिंग टूडे। ठीक है, कह रहा है लोग उससे बात नहीं कर रहे हैं, पीपल आर नॉट, देख रहे हो हेल्पिंग वर्ग के ठीक बाद नॉट लग रहा है, टॉकिंग टू हिम। चलिए अब बताएंगे इंटेरोगेटिव की बात करेंगे आपके लिए। देखिए बताया था अगर इंटेरोगेटिव होगा तो शुरू में क्या आएगा, डब्ल्यू एच फैमिली है, क्या आएगा, अगर आना होगा, जरूरी नहीं हर बार आए, अगर आना होगा तो डब्ल्यू एच फैमिली आएगा, और उसके ठीक बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, बात समझे, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ठीक है, और फिर सब्जेक्ट और बाकी तो आप देख ही रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी या ऑब्जेक्ट की बात हम कर रहे हैं। ठीक, चलिए आगे जरा बात कर दें इसके एग्जाम्पल की। तो बस देखो इंटरोगेटिव में क्या चेंज आया, एक तो डब्ल्यू एच फैमिली आ गया और एक सब्जेक्ट के बाद जो आ रहा था हेल्पिंग वर्ब वो क्या आ गया, पहले आ गया, इतनी सी बात हुई है, क्लियर है, समझ गए। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा डब्ल्यू एच फैमिली बताया था आपको, जो डब्ल्यू और एच से मिलकर बने होते हैं उस क्या होते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली होते हैं, क्लियर है। क्या वह घूमने जा रहा है, इज ही गोइंग फॉर अ वॉक, इज ही गोइंग फॉर अ वॉक। बताया था अगर शुरू में क्या लगा होता है, शुरू या एकदम अंत में क्या क्या का प्रयोग है, तो हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, देखो यहाँ पे इज है ना हेल्पिंग वर्ब। कह रहा है क्या लोग स्टेज पर नाच रहे हैं, आर पीपल डांसिंग ऑन द स्टेज। कह रहा है वे बच्चे तुम्हारे साथ कहाँ पर खेल रहे हैं, वेयर आर दो चिल्ड्रंस प्लेइंग विद यू। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करेंगे नेगेटिव इंटरोगेटिव की। तो देखो जैसा इंटरोगेटिव था सेम ही है, बस क्योंकि नेगेटिव है तो क्या होगा, नॉट का प्रयोग होगा, और याद रखना नेगेटिव इंटरोगेटिव में हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होता है, मैंने कल भी बताया था, आज वापस रिपीट कर रहा हूं। देखो सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली, और डब्ल्यू एच ने रूल क्या है, इसके साथ ठीक है क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, नॉट नेगेटिव में, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी क्योंकि कंटिन्यूअस है, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। चलिए जरा एग्जाम्पल
देखें और समझने का प्रयास करें। क्या राम घूमने नहीं जा रहा है? क्या राम घूमने नहीं जा रहा है? शुरू में क्या है इसलिए हेल्पिंग लगेगा, इज राम नॉट गोइंग फॉर अ वॉक। अमन बात क्यों नहीं कर रहा है? देखो बता ना, अगर बीच में क्यों आएगा तो हम शुरू में डब्ल्यू एच फैमिली का प्रयोग करते हैं, वाई। वाई इज अमन नॉट टेकिंग, वो स्कूल क्यों नहीं जा रहा है? देखो बीच में क्यों आया इसलिए हम डब्ल्यू एच फैमिली का प्रयोग कर रहे हैं, वाई इज नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, बात समझ गए। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचान क्या है, इसकी पहचानें कैसे? कह रहा है इस टेंस के मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के साथ चुका है, चुकी हैं, चुके हैं या चुका हूँ, लिया, दिया, ली, दी, की आदि जैसे प्रयोग हो, जैसे चुका, चुके, चुकी या लिया, दिया, ली, दी, की आदि, इस तरह के से अगर सेंटेंस एंड होता है तो क्या उसे कहाँ रखते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे राम घूम चुका है, सीता नाच चुकी है, लोग घूम चुके हैं, मैं घूम लिया हूँ या चुका हूँ, उसने गलती की है या हमने किताब दी है। अगर इस तरह के सेंटेंस हैं तो क्या रखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर रखेंगे। ठीक है, चलिए देखो, कह रहा है अगर हम कहें कि मुझे घड़ी मिली है, इसका सीधा सा मतलब है कि मुझे घड़ी मिल चुकी है। क्लियर है, समझ गए? चलिए बात करेंगे रूल की, अफर्मेटिव में इसका रूल क्या है। तो भाई देखो, सब्जेक्ट है प्लस हैज़ हैव है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है। मेरे साथ रिपीट कीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो देखिए परफेक्ट में क्या होता है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। परफेक्ट टेंस के अंदर किसी का भी परफेक्ट हो तो उसमें क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। क्लियर है, चलिए। सब्जेक्ट यहाँ पे है, उसके बाद क्या हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव है। ठीक है, क्या है? हैज़ हैव। चलिए आइए जरा देखते हैं, कब हैज़ कब हैव, दो में से कोई एक ही प्रयोग करेंगे एक बार में, ये स्लैश है जो दिख रहा है आपको। चलिए कह रहा है अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे, हैज़ प्रयोग करेंगे और बाकी सभी साथ क्या करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, नहीं पता है तो जाके पीछे वाली वीडियोस देख लीजिए। ठीक है, चलिए जरा बात करते हैं इसका कुछ एग्जांपल्स की। देखिए राम स्कूल जा रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो देखो राम हैज़ गॉन टू स्कूल। अब देखो ये गो की ना थर्ड फॉर्म है गॉन। हाँ, जिन लोगों को मैंने बताया था कि भाई वर्ब यहाँ पढ़ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है आप उसको ऐसे पहचान नहीं पाएंगे, तो देखिए एक तो वर्ब चैप्टर में जाके पढ़ सकते हैं आप, ठीक है, और जो फर्स्ट क्लास हुई थी टेंस की उसके अंदर ही मैंने बताया था गो की थर्ड फॉर्म, वहाँ भी आके आप देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ बताया था मैंने शॉर्ट में, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप दोनों वीडियो, जो बेसिक वाली वो भी अगर नहीं देखी है तो देख लीजिए, अगर देख ली तो बात ही खत्म है। ठीक है, और वर्ब अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है एक बार जाके देख लीजिए, बेटर समझ में आएगा कि भाई V1, V2, V3 सब क्या है। ठीक है, क्लियर, चलिए। तो देखिए जरा, ये है आपका सब्जेक्ट, ठीक है, ये है आपका हेल्पिंग वर्ब, ये है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सेंटेंस का फॉर्मेशन ऐसा ही हो रहा है। ठीक, क्लियर। और ये जो टू है बताया था आपको पीछे, अगर क्लास करते हुए आ रहे हैं तो कमेंट कीजिए टू यहाँ पर क्या है। ठीक है, ओके, चलिए। कह रहा है मैं काम कर चुका हूँ, कह रहा है आई हैव डन द वर्क और आई हैव वर्कड, दोनों प्रयोग कर सकते हैं, या तो ये या फिर ये, आई हैव वर्कड। ठीक है, दो में से कोई एक आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है इसीलिए क्या हमने हैव का प्रयोग किया, हैज़ का प्रयोग नहीं किया है। हमने तुम्हें देख लिया है, अब देखो यहाँ पर जो हमने, देखो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, हैव का प्रयोग हुआ है, हैज़ प्रयोग नहीं हुआ है। मैंने उसे किताब दी, देखो यहाँ भी क्या है, फर्स्ट पर्सन है तो क्या होगा, आई हैव। ठीक है, गिवन क्या है, थर्ड फॉर्म है। ठीक, हेमा बुक। क्लियर, उन बच्चों ने राम से पैसे लिए हैं, दोज चिल्ड्रंस हैव टेकन मनी फ्रॉम राम। अब देखो यहाँ पे हैव क्यों है, क्योंकि भैया
प्लूरल फॉर्म में है, थर्ड पर्सन तो है लेकिन क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। क्लियर? कह रहा उस लड़की ने स्कूटी खरीदी, डैट गर्ल हैज़ परचेज्ड अ स्कूटी। देखो डैट गर्ल, वह लड़की क्या है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है इसीलिए है। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे ज़रा बात करते हैं। देखिए नेगेटिव रहना बहुत ईजी है, बस नॉट लगाएंगे। नॉट कहाँ लगता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है। देखो इसमें, इस स्ट्रक्चर में खाली क्या हो गया है, नॉट लग गया है, तो क्या बन गया है, नेगेटिव बन गया है। ठीक है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। रूल क्या रहा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जान चुके हैं अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हैव और बाकी सबके साथ में हैव। आइए एग्जांपल देखते हैं। कह रहे हैं हमने तुम्हें नहीं देखा है, हमने तुम्हें नहीं देखा है। देखो वी हैव, देख लो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, नॉट सीन यू। ठीक है, मैंने उसे कोई किताब नहीं दी है, आई हैवंट। अच्छा ये कैसे बनता है, आपको बताया था हैव प्लस नॉट से मिलकर बनता है। ठीक है, हैवंट, ठीक है, गिव हिम एनी बुक। ठीक है, नॉट यहाँ ऑलरेडी अंदर छुपा हुआ है। ठीक, कह रहा है अरनवी ने पैसे नहीं लिए हैं, अरनवी हैज़ नॉट टेकन द मनी। बस कुछ नहीं है, नॉट का प्रयोग इसमें दिखाया गया है। क्लियर है, अगर नॉट लग गया तो ये नेगेटिव हो गया। चलिए जरा बात कर दे। अच्छा इंटेरोगेटिव, जैसे ही इंटेरोगेटिव आया सिंपल सा रूल क्या है, डब्ल्यू एच फैमिली आएगा और इसके साथ ही हेल्पिंग वर्ब आएगा। बताया था मैंने पीछे भी डब्ल्यू एच के साथ ही क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। बहुत ईजी इसको फॉर्म करना, कोई भी मुश्किल वाला काम नहीं है। चलिए बताया था डब्ल्यू एच फैमिली क्या होता है, डब्ल्यू और एच से जो मिलकर वर्ड बनते हैं उसे क्या बोलते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली बोलते हैं। ये सारे जो देख रहे हो आप डब्ल्यू एच फैमिली हैं। क्लियर है? चलिए क्या राम घूमने गया है, बताया था शुरू में क्या आएगा तो स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। ठीक है, तो हैज़ राम गॉन फॉर अ वॉक। ठीक है, अमन ने किताब क्यों ली है, वाई हैज़ अमन टेक द बुक। बताया था ना अगर बीच में क्यों का प्रयोग होता है तो शुरू में डब्ल्यू एच फैमिली हम वाई का प्रयोग कर लेते हैं। कह रहे हैं वे दोनों कहाँ गए हैं, वेयर है दे बोथ गॉन, वेयर हैव दे बोथ गॉन। चलिए इंटेरोगेटिव की बात करेंगे, यानी नेगेटिव इंटेरोगेटिव की। तो देखो क्योंकि नेगेटिव है तो नो और नॉट पे आएगा, इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो चलिए देखिए इंटेरोगेटिव के लिए डब्ल्यू एच फैमिली और प्लस हेल्पिंग वर्ब। अच्छा बताया था कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, तो देखो डब्ल्यू एच फैमिली हैज़ हैव सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है मैंने क्या किया है, वट हैव आई डन, वट हैव आई डन। ठीक है, अगला है क्या तुमने आज खाना नहीं बनाया है, हैव यू नॉट कुक द फूड टूडे। अगला है अमन ने अब तक किताब क्यों नहीं खरीदी है, वाई हैज़ अमन नॉट परचेज द बुक येट। देखो भाई बड़े नहीं हैं, अगर आप इनको रूल पर रख कर देखोगे तो एज इट इज़ रखे जाएंगे। ठीक है, एज इट इज़ ऐसा ही सेंटेंस फॉर्म करेगा। ठीक है, तो टेंशन वाली बात नहीं है, आप रूल देखो और मैच करने का प्रयास करो। ठीक है, चलिए अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे होगे तो फिर कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। आइए ज़रा इसके ना रूल्स को एक बार मेमोराइज करने का प्रयास करें। तो भाई रूल्स बहुत ईजी हैं और रूल्स हमने कैसे फॉर्म किए, देखो सबसे पहले क्या आएगा, अफर्मेटिव की बात कर रहा हूँ पॉजिटिव की, तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव आएगा। ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो हो गया अफर्मेटिव, यानी इसे आप पॉजिटिव भी बोलते हो कभी कभी। ठीक है, अब क्योंकि अगला क्या है, नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव में क्या लगता है भाई, खाली नॉट लगता है, और नॉट कहाँ, सिर्फ अगर नेगेटिव होगा तो नॉट कहाँ लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के पार, तो ये कैसे बनेगा, तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बताया था इंटरोगेटिव में क्या होता है, डब्ल्यू एच फैमिली आता है, और डब्ल्यू एच फैमिली आया है तो क्या होगा, इसके साथ ही हेल्पिंग वर्ब आया, क्या आएगा, इसके साथ ही हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव आपका आएगा, और फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर आपका ऑब्जेक्ट एज यूजुअल। अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव है तो बहुत बढ़िया, ये तो सेम रहेगा डब्ल्यू एच फैमिली। ठीक है, हैज़ हैव भी सेम रहेगा,
सब्जेक्ट भी सेम रहेगा, और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चार हैं। मतलब रूल तो बेसिक एक ही है, रूल तो बेसिक एक ही है। अगर आपको नॉट बनाना है, मतलब नेगेटिव बनाना है, तो नॉट लगा दीजिए। ठीक है, अगर आपको इंटरव्यू बनाना है तो बस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आइए, ठीक है, और डब्ल्यू एच फॉर्म ले लीजिए। और नेगेटिव इंटरोगेटिव में बस कुछ नहीं है, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देना है। क्लियर है, आई थिंक बात समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चार पढ़े थे ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और ये है लास्ट इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए जरा इसकी बात कर देते हैं। देखिए भाई, कह रहा है इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ यानी मेन वर्ब के साथ रहा, रही, रहे या रहा हूँ का प्रयोग होता है, बिल्कुल वैसे जैसे कंटिन्यूअस टेंस में होता है। ये कुछ कुछ कंटिन्यूअस टेंस की तरह ही काम करता है। देखो, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो इसके अंदर भी क्या आएगा, आईएनजी का हम प्रयोग करेंगे रूल के अंदर। ठीक है, याद रखना, जहाँ जहाँ कंटिन्यूअस आएगा वहाँ पर तो आईएनजी का प्रयोग हम करेंगे करेंगे। ठीक, चलिए, जैसे राम 2 घंटे से घूम रहा है, सीता 4 दिन से नाच रही है, लोग 10 बजे से घूम रहे हैं, मैं सुबह से रो रहा हूँ आदि। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है ना कि ऐसा लगता है सेंटेंस पढ़ने के बाद कि कोई घटना बहुत पहले शुरू हुई थी, मतलब पास्ट में शुरू हुई थी और अभी तक चलती हुई आ रही है। क्या, अभी तक चलती हुई आ रही है, ख़त्म नहीं हुई है, चल रही है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। चलिए देखिए, यहाँ पे समय के साथ से का प्रयोग बताए जाने पर सिंस या फॉर का प्रयोग होता है। अच्छा, समय के साथ अगर से का प्रयोग करना हो तो क्या, सिंस या फॉर का प्रयोग करना होता है। अच्छा, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए। अगर टाइम फिक्स है तो सिंस का प्रयोग करेंगे, और अगर टाइम फिक्स नहीं है तो क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। क्लियर है, ध्यान रहे कि इंग्लिश ग्रामर में समय के साथ से का प्रयोग बताए जाने पर सिंस या फॉर का ही प्रयोग किया जाता है, फ्रॉम का नहीं। ठीक है, हालांकि कन्वर्सेशन में हम फ्रॉम का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ग्रामर के अंदर हम सिंस या फॉर का ही प्रयोग करेंगे। चलिए देखिए जरा, अच्छा आपको बताया था सिंस एक प्रीपोजिशन है, एक बार रूल जरा समझ लेते हैं। सिंस का मतलब क्या होता है, से, और ये क्या होता है, निश्चित समय के साथ प्रयोग होता है जब भी वाक्य में रहा, रही, रहे का प्रयोग होता है। ठीक है, क्लियर। जैसे सिंस 2 AM, सिंस 2 PM, सिंस 2 o'clock, सिंस 3 o'clock, इसमें क्या है, कोई घटना फिक्स टाइम से पता है किस समय से हो रही है। ठीक है, जैसे सिंस 1998, सिंस 2005, या सिंस मंडे ट्यूसडे, इस तरह की बातें, सिंस मॉर्निंग इवनिंग या स्टडे, या बचपन से, सिंस चाइल्डहुड, या पैदा होते तो क्या बोलते हैं, सिंस बर्थ, या सिंस माई डैड वॉज बॉर्न, जब मेरे पापा पैदा हुए तभी से, मतलब ये घटना क्या है, पता है फिक्स टाइम। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कह रहा है आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये प्रीपोजिशन है, सिंस का एक प्रीपोजिशन है, वहाँ से उठा के लाएँ समझाने के लिए उसको। ठीक है, जिन लोगों ने चैप्टर देखा हो प्रीपोजिशन का, उन लोगों के रिपीट हो रहा है। ठीक है, चलिए, ही हैज़ बीन ट्राइंग सिंस मंडे। देखो इसमें क्या है, मंडे एक फिक्स समय है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, मॉर्निंग एक फिक्स समय है, मतलब सुबह से काम हो रहा है, पता है, तो इसीलिए यहाँ पे सिंस का प्रयोग हुआ है। बात करें फोर की प्रयोग की, तो फोर में क्या होता है भाई, देखो फोर का मतलब भी क्या होता है, से होता है, लेकिन अनिश्चित समय के लिए। क्या है, फोर इज़ यूज ड्यूरेशन ऑफ टाइम व्हेन सेंटेंस इन कंटिन्यूअस फॉर्म, लेकिन पता ना हो। देखो, 2 सेकंड, कौन से 2 सेकंड पता नहीं है, 2 मिनट, कौन से 2 मिनट पता नहीं है, 2 घंटे, कौन से 2 घंटे पता नहीं है, इसलिए 2 मंथ, कौन से 2 मंथ पता नहीं है, काफ़ी देर से, फॉर अ लॉन्ग, लेकिन कौन सा काफ़ी देर है पता नहीं चल रहा, इसीलिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम फोर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर। जैसे आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, यहाँ क्या कह रहा है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये नहीं चल रहा पता कि आज के 2 घंटे हैं कि कल के 2 घंटे या परसों के 2 घंटे हैं, इसीलिए यहाँ पर फोर का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, कह रहा है ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर मैनी डेज, वो बहुत कई दिनों से कोशिश कर रहा है या बहुत दिनों से प्रयास कर रहा है। इसमें क्या है, देखो हमें पता नहीं चल रहा कि वो कौन से कई दिन हैं, ठीक है, इसलिए हम फॉर का प्रयोग कर रहे हैं। तो सिंस का प्रयोग कब करेंगे, जब निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो, फिक्स हो, और फॉर का प्रयोग कब करेंगे, जब समय क्या हो, पता ना हो, जैसे 2 मिनट, 2 घंटे, लेकिन यहाँ चल नहीं रहा पता कौन से 2 मिनट है, कौन से 2 घंटे,
ठीक। चलिए अब आते हैं इसका वापस अपने अफर्मेटिव में। देखो रूल आपको लग सकता है बड़ा, डरने वाली बात नहीं है, रूल बड़ा नहीं है। देखो पहले भी सब्जेक्ट आ रहा था, ठीक है, अभी सब्जेक्ट आ रहा है। पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव था, अब क्या है, अब हैज़ बीन या हैव बीन है, ठीक हैज़ बीन या हैव बीन है, इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो सब्जेक्ट पहले भी आ रहा था अभी भी आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब पहले हैज़ हैव था, अब क्या आ रहा है, हैज़ बीन या हैव बीन, ठीक है। स्लैश का मतलब या तो हैज़ या तो हैव। प्लस अब देखो जब भी आईएनजी लगता है ना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। सर कैसे चला पता? देखो ना परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसलिए चलेगा पता, आईएनजी आएगा, और अगर आईएनजी आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा। प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ तक तो सर कोई दिक्कत नहीं थी, एक अलग सी चीज़ ऐड हो गई है, ये रहा सिंस या फॉर, प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, ये कुछ खास नहीं है जो लास्ट का है, पॉइंट ऑफ टाइम, ये तो क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। देखो भाई सब्जेक्ट पहले भी था अभी भी है, हेल्पिंग वर्ब पहले भी था अभी भी है, बस हेल्पिंग वर्ब बदल गया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पहले भी कोई ना कोई वर्ब की फॉर्म थी अभी भी है, बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्यों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है? कंटिन्यूअस टेंस के अंदर जब भी आईएनजी का प्रयोग हुआ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। और प्लस ऑब्जेक्ट, बस अगर टाइम क्या है, 2 आवर, तो यहाँ पता चलो ना कौन सा 2 आवर है, तो क्या होगा, फोर का प्रयोग होगा। लेकिन सिंस मॉर्निंग, अच्छा बोलेंगे मॉर्निंग, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, सुबह से, तो अगर टाइम का पता है तब तो सिंस लगाएंगे, और नहीं तो क्या करेंगे, फोर का प्रयोग करेंगे। और बाकी जो समय दिया है, जैसे 2 घंटा दिया है, 2 घंटा, जैसे मान लो सिंस 1998, तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया ना 1998, लास्ट में जो क्वेश्चन के अंदर होगा वही पुट कर देंगे, ठीक है। मेनली फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। मेरी बात समझना, सब्जेक्ट हैज़ बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में की जाइड हो गई सिंस फॉर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम। डरने वाली बात नहीं है, सबके अंदर यही यूज़ होगा, ठीक है, तो आपको भी रट्टा भी हो जाएगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप टेंशन ना लें, ठीक है। आइए ज़रा हमने ये देख लिया, अब देखते हैं कब हैज़ और कब हैव। आपको पता ही होगा अभी पढ़ क्या है पीछे, कह रहा है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन और बाकी सभी के साथ में क्या भाई, हैव बीन, क्लियर है। आइए एग्जांपल देखते हैं। देखो भाई यहाँ पर थोड़ा पेन कलर बदल लेते हैं तो मज़ा आएगा। चलिए कह रहा है राम 2 घंटे से घूम रहा है, तो देखो राम क्या है, थर्ड पर्सन है और क्या है, सिंगुलर है, तो देखो तो राम के साथ हैज़ बीन आया, क्लियर है। अब भाई घूमने को क्या बोलते हैं, वॉक बोलते हैं, तो वॉक हमारा फर्स्ट पर्सन है और क्या होगा यहाँ पे, आई एन जी लग गया तो वॉकिंग होगा। अच्छा 2 घंटे, देखो यहाँ पे बताया नहीं गया कौन से 2 घंटे, तो इसलिए क्या आ रहा है, फॉर, और 2 आवर्स यही है वो पॉइंट ऑफ टाइम जिसे आप डर रहे थे, वहाँ पर बड़ा दिख रहा है पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन, ये देखो क्वेश्चन में दिया गया 2 घंटा, हमने एज इट इज छाप दिया। फिर से एक बार देखिए राम 2 घंटे से घूम रहा है, तो राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, इसीलिए राम के साथ हैज़ बीन आया है, ठीक है, क्लियर। अब घूमना भाई क्या होता है, वॉक होता है, वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म वॉक प्लस आईएनजी रहा, ठीक। अच्छा अब बात होगी फोर या सिंस की, तो भाई सिर्फ 2 घंटे हैं, 2 घंटे से पता नहीं चल रहा कौन से 2 घंटे हैं, तो इसीलिए क्या है, अनिश्चित समय के लिए जो टाइम फिक्स नहीं है उसके लिए फोर का प्रयोग करते हैं, और प्लस पॉइंट ऑफ टाइम ये तो क्वेश्चन में दिया ही गया है, हमने एज इट इज़ छाप दिया 2 आवर्स, क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए कह रहा है वह 4 बजे से पढ़ रहा है, वह 4 बजे से पढ़ रहा है, देखो वह क्या है, थर्ड पर्सन और सिंगुलर है, देखो ही आया है और हैज़ बीन आएगा। अब भाई पढ़ने को क्या बोलते हैं, स्टडी बोलते हैं, और इसके साथ लगे क्या, आई एन जी, तो स्टडी क्या है, वर्ब है प्लस आई एन जी, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। अब देखो 4 बजे से पढ़ रहा है, यहाँ चल रहा है पता, फिक्स टाइम है, क्या है, 4 बजे से पढ़ रहा है, इसलिए सिंस, और ये है पॉइंट ऑफ टाइम 4 o'clock, जो कि क्वेश्चन में ही दिया गया है, क्लियर। मैं सुबह से गाना गा रहा हूँ, देखो मैं सुबह से गाना गा रहा हूँ, यहाँ भी क्या है, फिक्स है कि सुबह से काम हो रहा है, तो ये क्या है, जो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम यानी समय है वो क्या है, फिक्स है, तो सिंस का प्रयोग करेंगे इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है
मैं मतलब फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ पे क्या होगा, हैज़ बीन, नहीं हैव बीन, देखो आई हैव बीन, अच्छा सिंग बोलते हैं और प्लस आइंज लग गया तो सिंगिंग बनेगा, अच्छा बहुत सारे गाने गा रहा है, एक गाने थोड़ी गा रहा होगा, तो सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग, क्लियर। वो कल शाम से मुझसे लड़ रहा है, देखो वो क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ही हैज़ बीन, अच्छा फाइट प्लस आई एन जी फाइटिंग, अच्छा किससे भाई, मुझसे लड़ रहा है विद मी, अच्छा कब से लड़ रहा है, कल शाम से, देखो टाइम फिक्स है यहाँ पर, तो सिंस यस्टरडे इवनिंग, क्लियर है, आई थिंक बात पकड़ पा रहे हो क्या आप लोग, ठीक है। बच्चे कई दिनों से ये नाटक देख रहे हैं, अच्छा तो देखो भाई बच्चा, जो बच्चा या बच्चे हैं इसमें क्या है, प्लूरल फॉर्म है तो ये थर्ड पर्सन लेकिन क्या है, प्लूरल फॉर्म है। चिल्ड्रंस हैव बीन वॉचिंग दिस सीरियल फॉर मैनी डेज, अब कई दिन से देख रहे हैं, वो कई दिन कौन से हैं पता नहीं है, ठीक है तो इसलिए फॉर लगाया है, ठीक है। अच्छा मैंने पीछे क्लास में बताया था चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, जिन लोगों ने देखा उन लोगों को याद पड़ा होगा शायद, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी में क्या बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, तो बताया था नेगेटिव में कुछ नहीं, नॉट प्रयोग कर देते हैं बस, बाकी एज इट इज़ सब सेम रहेगा, बस नॉट का प्रयोग हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ रखना, अगर नॉट लगना होगा क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट लगेगा, तो नॉट सर कहाँ पे लगेगा, तो देखो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, अब देखो हैज़ हैव के ना ठीक बाद लगेगा, क्या लगेगा, ठीक बाद लगेगा, यानी जो पहले आप पढ़ रहे थे ना हैज़ बीन या हैव बीन, तो ये ना बीच में आता है, बीन से पहले लगता है, क्या लगता है, बीन से पहले लगता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, इसीलिए हैज़ नॉट अब फिर आएगा बीन या हैव नॉट बीन आएगा, क्लियर है। ये ज़रा बात इंपॉर्टेंट थी, याद रखिएगा कि नॉट हैज़ हैव के ठीक बाद लगेगा नेगेटिव के अंदर, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन, बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है, बस जो चेंज आया है वो हैज़ हैव के बाद नॉट हो गया, मतलब बीन से पहले और हैज़ हैव के बाद। चलिए राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा है, तो देखो राम क्या है, थर्ड पर्सन और सिंगुलर है, तो राम हैज़ Not been walking for 2 hours. Clear है, 2 hours for क्यों आया, क्योंकि जो point of time है वो क्या है, fix नहीं है। वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा है, देखो third person singular, तो he has not been studying since 4 o'clock. देखो ये negative है, सब में not तो आएगा ही आएगा, ये बात तो ध्यान रखना, negative example देख रहे हैं। मैं सुबह से गाना नहीं गा रहा हूँ, I have not been सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, आई थिंक क्लियर होगा। चलिए इंटरोगेटिव है, तो बस जैसे पहले होता हुआ आया था, डब्ल्यू एच फैमिली आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम। अब देखो यहाँ पे बदल क्या गया है, यहाँ पर बदलाव क्या है, यहाँ पर आप ध्यान से देखो ना, तो बस एक छोटी सी चीज़ बदलाव हुई यहाँ पर भी, देखो डब्ल्यू एच फैमिली has have और इसके बाद देखो been को खिसका दिया है, यहाँ भी क्या हुआ है, been को खिसका दिया है, has have उसके बाद क्या है, subject आया है plus been plus verb की first form plus ing plus object plus since for या plus point of time। ध्यान क्या रखना interrogative में, कुछ नहीं, जो main sentence है वही structure है, wh family has have plus subject plus been plus वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट या प्लस सिंस फॉर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। चलिए जरा एग्जांपल देखते हैं, हाँ डब्ल्यू एच फैमिली बता चुका हूँ आपको, तो डब्ल्यू और एच से मिलकर बनते हैं सारे वर्ड, क्या होते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली होते हैं, ठीक है। चलिए राम 2 घंटे से क्यों घूम रहा है, अब देखो भाई राम क्या है, थर्ड पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या होगा, वाई हैज़, ठीक है, वाई हैज़ राम बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। अब देखो मैंने बताया था आपको, अगर बीच में क्यों का प्रयोग होता है तो शुरू में क्या होगा, एक डब्ल्यू एच फैमिली वाई हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, और बाकी आपको पता है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये बीन है और ये वी वन
प्लस आईएनजी है क्योंकि 2 घंटे हैं इसलिए फॉर लगा है, ठीक है। एग्जैक्ट आप चाहो तो मैच कर सकते हो, इससे मैच करेगा। कह रहा है मैं कब से गाने गा रहा हूँ। देखो भाई, अब देखना सिंस वैन, यही है डब्ल्यू एच फैमिली, ये रहा डब्ल्यू एच फैमिली, ठीक है। ये मत समझना सिंस तो शुरू में कैसे आ गया, इस बार ये डब्ल्यू एच फैमिली है, इस बार क्या है डब्ल्यू एच फैमिली है, क्लियर है। देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है सिंस वैन, ठीक है। ये क्या है, हैव आई बीन सिंगिंग सॉन्ग्स, सिंस वैन हैव आई बीन सिंगिंग सॉन्ग, क्लियर है। तो यहाँ पर मैं क्या है, सब्जेक्ट है तो आई प्रयोग होगा, ठीक है। साथ में क्या, बीन सिंगिंग सॉन्ग्स, और हैव क्यों आया है, बताया था थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट छोड़ के बाकी सब्जेक्ट में क्या होगा, हैव प्रयोग होगा। और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, क्या है भाई, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। आइए अब बात करते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव की। तो इसकी मैंने कोई बताया कि जो इसमें जो नॉट लगता है वो सब्जेक्ट के बाद लगता है, यानी बीन को और खिसकाएंगे। यहाँ पर देखिए जरा, डब्ल्यू एच फैमिली प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट आर था, और मैंने कहा था कि सब्जेक्ट के ठीक बाद नॉट लगता है, तो देखो बीन और क्या हो, खिसक गया है, बीन और क्या हो गया है, खिसक गया है, ठीक है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर या प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, बाकी तो सब सेम ही एज इट इज़ है। चलिए जरा, कह रहा वो सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा। अब देखो वो क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, अच्छा, और बीच में क्या है, क्यों आया है, तो शुरू में डब्ल्यू एच फैमिली आएगा, जैसे डब्ल्यू एच फैमिली आएगा तो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आना ज़रूरी है। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा ही वह, क्योंकि ये नेगेटिव भी है तो नॉट आएगा, और उसका क्या आएगा, बीन। अब पढ़ने की बात हो रही है तो स्टडी क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, अच्छा कब से पढ़ रहा है, सुबह से पढ़ रहा है, इसलिए क्या हुआ है, सिंस मॉर्निंग। आप एग्जैक्टली मैच कर सकते हो, फॉर्मेट मैच कर रहा है, ठीक है। बहुत बच्चों को यहाँ दिक्कत होती है वर्ड बाय वर्ड, तो मैं आपको इसीलिए वर्ड बाय वर्ड दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से बने। करेक्ट, क्या वह है 4 बजे से नहीं पढ़ रहा, बताया था शुरू में क्या होगा, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। देखो हैज, अब देखो हेल्पिंग वर्ब, ही देखो सब्जेक्ट, नॉट नेगेटिव है इसलिए, बीन स्टडी प्लस आई एन जी, अच्छा 4 बजे से है बात कर रहा है, फिक्स टाइम है, तो क्या होगा, सिंस 4 o'clock, ठीक है। तो भाई ये था आपका प्रेजेंट टेंस, जिसमें आपने 4 पढ़े, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बात कर दूँ इसके रूल की कि सर रूल याद कैसे रहेगा, जरा रूल बनाते हैं। देखो भाई ये क्या था, सबसे पहले इसके अंदर सब्जेक्ट था, फिर क्या था, हेल्पिंग वर्ब था हैज़ और हैव बीन, उसके बाद क्या था भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर या उसके बाद प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। ये आपका पूरा इसका स्ट्रक्चर था, ठीक है। टाइम लिखा हुआ भाई, जरा इग्नोर करना, ठीक। सेकंड की बात करते, क्योंकि ये नेगेटिव में आएगा तो भाई सब्जेक्ट सेम रहेगा, हैज़ हैव भी सेम रहेगा, नॉट क्या आएगा, हैव और हैज़ के बाद नॉट आएगा, और बीन से पहले आएगा, क्या आएगा, बीन से पहले आएगा। तो देखो नॉट आ गया, बाकी सब सेम, ये भी सेम, ये पूरा सेम, ये भी सेम, ऑब्जेक्ट भी सेम, सिंस फॉर भी सेम है, ठीक है, और प्लस पॉइंट ऑफ टाइम भी क्या है, सेम है, बाकी सब। तीसरे की ज़रा बात करते तो यहाँ पर क्या है भाई, अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, अब इंटरोगेटिव। वो कहता है भाई पहले डब्ल्यू एच फैमिली आएगा, जैसे डब्ल्यू एच फैमिली आएगा तो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हैज़ या है। अब क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट भाई बीन से पहले ही देंगे सब्जेक्ट को जगह, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस बीन, बाकी एज इट इज़, वी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक। बात करें फोर्थ की, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर आपके सामने ही लिखा गया है ऊपर पे ही, टेंशन वाली बात नहीं है।
तो क्या है डब्ल्यू एच फैमिली है, क्योंकि नेगेटिव और इंटरोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है क्या है और इंटरोगेटिव भी है, तो डब्ल्यू एच फैमिली प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव, ठीक है। उसके बाद मैं बताया था सब्जेक्ट आएगा, और यहाँ बताया था सब्जेक्ट के साथ नॉट का प्रयोग होता है, ठीक है, प्लस बीन और बाकी एज इट इज़ सारे क्या होंगे एज इट इज़ होंगे, ठीक है, बाकी सिंस फॉर सारे एज इट इज़, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो देखिए रूल्स को याद करना बहुत इजी है, बहुत लोगों लगेगा सर बहुत सारे रूल हो गए और इतना याद कैसे रखेंगे। देखो रूल तो आपको इसमें चार ही मेन रूल थे, उन्हीं चारों में कभी नॉट लगाकर, कभी डब्ल्यू एच फैमिली लगाकर और कभी हेल्पिंग वर्ब को इधर या उधर कर बाकी के तीन रूल बने हैं, तो मेन रूल चार ही हैं। तो उम्मीद करता हूँ भाई आज फिर से आपने कुछ सीखा होगा, तो कल की क्लास में आपको बस करना क्या है ये चार रूल याद करने हैं और प्रैक्टिस करने हैं इस रूल पे कि बाकी आप जो चार हैं ना मेन जो पढ़े हैं इससे तीन और बना सको, ठीक है, क्लियर है, समझ गए। चलिए तो अगर अभी तक वीडियो पे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं कल की क्लास में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।